यहां पर है तो ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स इन द नंबर, नंबर आपका ये है, इसमें सिक्स किस प्लेस पर है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड पर है तो कितना इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि सिक्स इंटू टेन थाउजेंड इक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड, सिक्सटी थाउजेंड। अब देखिए ऑप्शन कौन सा आपका है, तो ऑप्शन आपका है थर्ड, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो गया। तो हम लोग देखेंगे किसका प्लेस वैल्यू हमको कहा जा रहा है, प्लेस वैल्यू तो वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड पे सिक्स है, सिक्स को टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटी थाउजेंड आपका आ गया, यही आपका आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन थ्री सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, बी देखिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ टू एंड फोर, टू एंड फोर इन द नंबर, इन द नंबर, नंबर कौन सा है, तो नंबर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सेवन सिक्स, हमको किसका किसका प्लेस वैल्यू चाहिए, टू और फोर का। देखिए प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑफ टू, टू का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, लाख, लाख पे टू, लाख प्लेस पर टू है, इसका प्लेस वैल्यू टू लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू लाख, और प्लेस वैल्यू ऑफ फोर देखिए प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू वैल्यू ऑफ टू फोर, तो आपको क्या होगा फोर थाउजेंड, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, क्या आपके सिक्स नाइन वन नाइन, वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आपका क्या होगा डिफरेंस आ गया, तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर, इसको बनाइए। हमारा कह रहा है इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ टू एंड फोर का डिफरेंस फाइंड करने निकल रहा है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू टू लाख मिला, देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, लाख, लाख पर है टू इंटू वन लाख टू लाख, यहाँ पर है फोर का प्लेस वैल्यू वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड प्लेस पर है फोर इंटू थाउजेंड फोर थाउजेंड आपका होगा। अब दोनों में डिफरेंस हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड आपका होगा, ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका फोर है, ये सही है, आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए। अभी हमारे पास है द प्रीडिसेसर ऑफ 35,748,600, इसका प्रीडिसेसर फाइंड करना है, तो प्रीडिसेसर कभी जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं वन माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसके इस नंबर से जस्ट बिफोर नंबर पूछा जा रहा है, प्रीडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर, और सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर, तो प्रीडिसेसर जस्ट बिफोर मतलब हो गया थ्री फाइव सेवन फोर एट सिक्स हंड्रेड माइनस वन, देखिए ये आप हो जाएगा कितना टेन, ये आप हो जाएगा नाइन,
ये हो गया 5 9 9 5 8 4 7 3 5 ये आपका हुआ, यही आपका प्रेडिसेसर, यानी कि 35,700,000 48 प्रीडिसेसर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, द प्रीडिसेसर ऑफ 35,748,600। तो इसमें प्रीडिसेसर का मतलब होता है जस्ट बिफोर, इस नंबर से ठीक पहले कौन सा नंबर, ठीक है, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर था, ठीक है, तो इससे मैं 1 माइनस कर देंगे, इस नंबर में 1 माइनस कर देंगे, माइनस के तो आया 35,748,599, यही आपका इसका प्रेडिसेसर। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, द डिजिट एट द 10 मिलियन प्लेस इन द नंबर 735,896,546। 10 मिलियन पे कौन सा डिजिट है, कौन सा नंबर है, तो देखिए 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, यही ना होगा, क्या हो जाएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। हमको पूछा जा रहा है कि ऐसा नंबर का नाम बताइए जो 10 मिलियन प्लेस पर है, हम ऐसे देखेंगे 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 10 मिलियन पे क्या है 3 है, यानी 3 डिजिट है जो 10 मिलियन प्लेस पर है, ठीक है, 3 आपका हो गया ऑप्शन सेकंड, ठीक है। टू करोड़, 60 मिलियन कितने करोड़ के बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 60 मिलियन को आप करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, 60 मिलियन को करोड़ से क्या कर दिए, डिवाइड कर, चलिए लिखते हैं 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 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 1
1 2 3 1 2 1 कितना बच गया? सारे जीरो कट गया, 6 बच गया, यानी कि 6 करोड़ आंसर। कितना होगा? 6 करोड़। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट। हमने किया क्या? 60 मिलियंस इक्वल टू कितने करोड़ होगा? तो हम क्या किए, 60 मिलियंस को 1 करोड़ से डिवाइड कर दिए और जितना आएगा बस वही आंसर होगा। तो पूरा जीरो, जितने जीरो है वो कैंसिल हो गया, केवल 60 नंबर पर बचा और नीचे में 1 बचा। तो 6 by 1 = 6, इट मींस 6 करोड़ आंसर होगा। बात आया समझ में? एरा है हमको किसी भी 9 डिजिट का इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमको ड्रॉ करना है। तो उसमें देखिए कौन कौन सा पीरियड आ जाएगा, वंस, थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। वंस पीरियड में आ जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, थाउजेंड पीरियड में, लाख पीरियड में लाख, 10 लाख, इसमें करोड़, 10 करोड़, दिखा गया। अब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 5 क्या है? 1 प्लेस है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 8 क्या है? 10 प्लेस पर है, 8 का प्लेस वैल्यू 80। 5 यहां क्या है? 100 प्लेस पर है, तो 500। 6 क्या है? 1000 पर है, सो 6000। 2 क्या है? 10,000, 10,000 प्लेस पर है, तो इसका कितना होगा? 20,000 हो जाएगा। तो लिखिए प्लेस वैल्यू 20,000। 8 हमारा लाख प्लेस पर है, तो लाख हो जाए, 8 लाख हो जाएगा। फिर है 3 10 लाख प्लेस पर है, तो 10 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा, 30
फाइव करोड़ पर है, फाइव करोड़ हो जाएगा। हाँ ये क्या आगा, नाइन नाइन आपको 92 करोड़ सुनता लाभ। हाँ देखिए यही आपका जो है प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ ना एनी नाइन डिजिट नंबर, कोई भी नाइन डिजिट नंबर का ऐसे तो इस तरीके से, ठीक है समझ में आया। हमारे पास नाइन डिजिट नंबर का, एनी नाइन डिजिट नंबर का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता है, तो उसमें थ्री पीरियड आएगा, कौन कौन सा आएगा, वन थाउजेंड एंड मिलियन, और सभी थ्री पीरियड में थ्री थ्री प्लेस आएगा, वन प्लेस में वन टेन हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, मिलियंस में मिलियंस टेन मिलियंस हंड्रेड मिलियंस। अब हमारा जो है सो इसका प्लेस वैल्यू लिखता है इस नंबर का, यहाँ क्या हो जाएगा नाइन, ये कितना हो जाएगा 90, टेन प्लेस वाला का 90, हंड्रेड प्लेस पर है तो 9 तो 900, थाउजेंड प्लेस पर है 9 तो 9000, टेन थाउजेंड प्लेस पर है 9 तो 90000, हंड्रेड थाउजेंड तो 900000, 900000, मिलियन 9 मिलियन, यहां देखिए 9 मिलियन, फिर 90 मिलियन, फिर 900 मिलियन, ध्यान दीजिए ये इंटरनेशनल प्लेस चार्ट वैल्यू चार्ट हो गया नाइन डिजिट नंबर का, ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग क्या किया भी बना है लिखेंगे। देखिए वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, यानी कि वन पीरियड के बाद ये दो दो डिजिट है, यानी थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख, इट मीन्स इट इज इन इंडियन सिस्टम। अब इसको इंडियन सिस्टम इसको नंबर नेम लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, 35 लाख, 35 लाख वाले पीरियड में क्या है 35 लाख, उसके पहले फिर उसके बाद क्या होता है थाउजेंड होता है, क्या होता है थाउजेंड, क्या होता है थाउजेंड, तो थाउजेंड वाले पीरियड में क्या है 68, लिखेंगे 68,000, 8,000। अब देखिए वन टेन्स हंड्रेड, हंड्रेड पर क्या है जीरो है, तो जीरो को हमने देखेंगे, उसके बाद क्या होगा ये नंबर को क्या जाते हैं 43, देखेंगे 40, ठीक है दिखा गया, बोलिए उसी तरीके से बी में देखिए, बी में है 29568194, यहां पे आप देख लीजिए वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, मिलियन टेन मिलियन, ठीक है क्या लिखाएगा 29 मिलियन, 9 मिलियन, ये हो गया मिलियन वाले पीरियड में 29 लिखा हुआ है 29। अब उसके बाद थाउजेंड वाला पीरियड आता है इंटरनेशनल सिस्टम में 568 यहां पर नजर आ रहा है, तो 568,000 लिखेंगे, 568,000,
एट